वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। देखिए, इस प्रश्न में दिया हुआ है सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन है, उसकी आंतरिक कोण 165 डिग्री है प्रत्येक। तो अगर देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण 165 है तो बाहरी कोण कितना होगा, पहले तो ये देख लीजिए आप। ओके, तो अब देखिए कैसे पता लगेगा। एक लाइन है उसके ऊपर एक लाइन के ऊपर एक कोण होता है, ठीक है। तो ये कोण सा, मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये इसका आंतरिक कोण हुआ और ये इसका बाह्य कोण हुआ। तो आंतरिक कोण मान लीजिए 165 है तो बाहर कितना होगा, दोनों जो एक लाइन के ऊपर दोनों कोण है, लाइन लीनियर है ये, तो लीनियर है तो लीनियर का टोटल कितना होता है 180। तो 180 में से 165 घटा देंगे तो जो बाहर वाला कोण है वो कितना होगा 15 डिग्री। एक तो हमें पता लगे आंतरिक कोण 165 है तो बाहरी कोण कितना हुआ 15 डिग्री। अब सम बहुभुज है उसका प्रत्येक आंतरिक और 65 का है तो उसकी साइड कितनी होगी। साइड का कैसे पता लगेगा कि टोटल साइड्स के जितने कोण हैं, जितने कोण उसमें हैं, वो सबका योग कितना होता है बाहरी कोण 360 डिग्री होता है। सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है और एक बाहरी कोण कितना है 15 डिग्री का, तो साइड कितनी हो जाएगी, इसमें 15 का भाग दे देंगे, 360 में डिवाइड बाई 15 कर देंगे, यानी कि ये चला गया 2 times 30 हो गया, 6 बचा और ये चला गया 4 times। ओके, तो ये हो गया 24 साइड हो गई, उस रेगुलर है क्योंकि ये सभी साइड बराबर, रेगुलर का मतलब सभी समान है, ठीक है। तो सम बहुभुज है वो, तो सभी साइड जो है साइड हो गई 24 और प्रत्येक साइड का कोण जो है वो 15 डिग्री है तो कुल हो गए 360, तो उत्तर आ गया 24 साइड्स। ये देखिए यहां पर इसका आंसर दिया हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में, इसको आप पॉज करके पढ़ के समझ लें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।